तो यहाँ से हमारा लोडिंग होना स्टार्ट हो गया और यहाँ गाड़ी लगाने के कारण पूरा ट्रैफिक हो गया है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग बलरामपुर लोडिंग के लिए आ गए थे और इधर हम लोग लोडिंग के लिए अपना गाड़ी भी लगा दिए थे और इधर हमारा माल भी बनना रेडी हो गया था, क्योंकि ये इस तरह से हमारा माल बन के रेडी हो गया यहाँ पर। और यहाँ इतना ही माल है जो कि मेरा गाड़ी में लोड होने वाला है और हमारा गाड़ी लोडिंग के लिए इस तरह लगा है। बंगाल में आप लोग जब भी लोडिंग कीजिएगा तो बहुत सेफ्टी के साथ लोडिंग करवाता है और ये मतलब इधर कूट उट लगा दिया है ताकि माल खराब नहीं होगा, इसलिए कूट उट लगा दिया है लोडिंग के लिए। हमारे गाड़ी में आज 160 प्लास्टिक माल लोड होगा जो कि यहाँ बन के तैयार है। तो सब खाना खाने के लिए गया है, इसलिए खाना खा के आएगा, उसके बाद फिर हमारा गाड़ी लोडिंग होगा। और उधर और भी गाड़ी लोडिंग होना स्टार्ट हो गया जो कि हजारीबाग से भी हम लोग के साथ गाड़ी आया था। तो अभी करवाते हैं अपना गाड़ी लोडिंग और फिर यहाँ से निकलते हैं रसी तिरपाल करके। तो यहाँ से हमारा लोडिंग होना स्टार्ट हो गया, अभी देखते हैं कितना देर में लोडिंग करते हैं, उसके बाद फिर रसी तिरपाल करके यहाँ से निकलेंगे हम लोग। हमारा गाड़ी फाइनली भी लोडिंग हो गया है, इतना हमारा गाड़ी में खीरा लोड हुआ है, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको भी लोड करवाते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे रसी तिरपाल करने के लिए। भी हम चढ़ने जा रहे हैं ऊपर और करते हैं गाड़ी का रसी की तिरपाल कंप्लीट, अभी निकलते हैं फिर आगे। फाइनली हमारा गाड़ी लोड हो गया और हम लोग रसी तिरपाल कर लिए हैं, इधर से पूरा गाड़ी हम लोग रसी तिरपाल कर लिए हैं और अभी यहाँ से निकल रहे हैं मंडी से, क्योंकि लेट भी हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं अभी मंडी से, हमारा लोडिंग तो ऐसे कम्प्लीट हो गया था और हमारे गाड़ी में मतलब 28 क्विंटल माल फिर दिया है। यहाँ से निकलते हैं और हम लोग को जाना है बिहार। बिहार में कौन सा जगह जाना है पार्टी अभी तक कंफर्म नहीं किया, तो अभी हम लोग मंडी के गेट से यहाँ से निकलते हैं और लेना है तेल। और हमारा गाड़ी मतलब भग भुक करके 44 किलोमीटर तक चल चुका है, तो फिर ले लें तो अभी सबसे पहले ले लेंगे तेल हम लोग। अभी हम लोग पहुँचे हैं न्यारा वाला पेट्रोल पंप में और यहाँ बंगाल में ये वाला पेट्रोल पंप ज़्यादा ही फेमस है, तो इसी पेट्रोल पंप में हम लोग अभी तेल ले लेंगे। इसका भी डेंसिटी वगैरह सही रहता है, इसलिए हम लोग यहाँ तेल ले लेते हैं अभी। तो अभी हम लोग अपना गाड़ी में बिहार जाने भर का तेल ले लिए हैं और इधर हमारा गाड़ी तेल लेके खड़ा है और अभी हम लोग यहाँ से निकलने जा रहे हैं। और हमारे गाड़ी में 5000 का हम लोग तेल लिए, इतना में हम लोग बिहार पहुंच जाएंगे। तो हम लोग बलरामपुर से आगे पेट्रोल पंप में तेल भरा के निकल चुके थे, तो अभी पहुंचे हैं झालदा और झालदा में यहाँ रेलवे फाटक में हम लोग रुके हुए हैं, यहाँ से फिर निकलते हैं। तो अभी यहाँ वाला भी रेलवे फाटक खुल गया, तो यहाँ से भी निकलते हैं। देखिए खुल रहा है, अभी बिहार जाने का हम लोग का टाइम भी टूट रहा है, इसलिए हम लोग को जल्दी जल्दी जाना भी पड़ेगा। तो अभी हम लोग पहुंचे रामगढ़ वाला बाईपास और यहाँ से मतलब हम लोग हाईवे पर चढ़ेंगे। अभी इस ओवर ब्रिज पर घुस के हम लोग दाहिने मुड़ेंगे और यहाँ से फिर चढ़ के नेशनल हाईवे पर चढ़ जाएंगे और यहाँ से हमारा सफर सिर्फ 45 किलोमीटर बचा हुआ है और यहाँ से फिर 45 किलोमीटर के बाद हम लोग हजारीबाग चल जाएंगे और वहीं पर हम लोग खाना वाना खाएंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग नागर टोल प्लाजा पार करके यहाँ होटल में रुके हुए हैं, क्योंकि होली का के एक ही होटल खुला हुआ है, यहीं पर हम लोग खाना वाना खाएंगे और फिर आगे सफर पर निकलेंगे। तो अभी हम लोग होटल से खाना वाना खा के निकले हैं और यहाँ गाड़ी लगाने के कारण पूरा ट्रैफिक हो गया है, तो अभी निकलते हैं। इधर बहुत सारा गाड़ी, क्योंकि एक ही होटल खुला हुआ है इसलिए बहुत सारा गाड़ी यहाँ लगा दिया है। तो चलिए सफर का कंटिन्यू करते हैं, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं डायरेक्ट आप लोग से चतरा में, तो चतरा तक हम गाड़ी चलाएंगे, उसके बाद फिर हम सो जाएंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग चतरा पहुंचे हुए हैं, हमारे साथ एक और गाड़ी जो कि बिहार का है वो भी लोड होकर आया साथ में, क्योंकि झालदा से वाला गाड़ी लोड होकर आया है। और यहाँ से भी हम लोग नगर पालिका कटा के भी निकल रहे हैं आगे और चतरा घाटी उतरेंगे और हमको आ रहा है नींद, तो अभी हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, यहाँ से सुधीर भैया चलाएंगे और देखते हैं कहाँ देते हैं। तो आरा मंडी में ही देंगे ना, तो फिर कहीं देंगे जब इनको नींद लगेगा तब। तो फाइनली हमारा मंडी पहुंच गया, इधर भी गाड़ी लगा हुआ जो कि करेला गाड़ी है और इधर और गाड़ी है और हम लोग भी लगा रहे हैं। और मंडी का टाइम नहीं हुआ, 5 बजे मंडी आता, 5 बजे मंडी खुलता है तो आएगा तो उठाएगा। तो यहाँ अपना गद्दी पर गाड़ी लगा दें, गद्दी में हमारा गाड़ी खाली होगा, यहाँ लगा दिए तो उठाएगा तो रसी तिरपाल करेंगे, वरना वही सब खोल देता है हमेशा। अभी हम जा रहे हैं सोने के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ आरा मंडी में है और यहाँ का व्यू देखिए इस तरह से, यहाँ तभी इस तरह से हमारा गाड़ी इधर खाली हो रहा है और इधर मतलब इधर और भी गाड़ी इधर खाली हो रहा है। मेरा गाड़ी में आधा खीरा खाली हुआ है और इसमें मतलब आधा खीरा खाली हुआ है, देखिए कब तक खाली होता है, छोड़ता है हमको फिर। फाइनली हमारा गाड़ी खाली हो गया और हम लोग भाड़ा में लेके यहाँ से निकलते हैं और हमारा भाड़ा यहाँ से बलरामपुर का यहाँ से 15000 रुपये लगा था, तो यहाँ से यहाँ देखिए मार्केट का रास्ता एकदम पूरा जाम अभी लगा हुआ है, तो यहाँ से पहले जाम हम क्लियर कराते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं हम लोग। फाइनली हम लोग मंडी से निकल के ये वाले सिंगल रोड में पहुंचे हैं और इधर अपना गाड़ी लगाए हैं और इसका बत्ता उत्ता भी वहाँ से मंडी से हम लोग जल्दीबाजी में मंडी से हम लोग बत्ता उत्ता नहीं लगाए थे, तो यहीं पर बत्ता उत्ता भी लगाएंगे जो इधर फेंका हुआ है, इसकी वहाँ नो एंट्री लगने वाला था, इसलिए हम लोग पहले वहाँ से निकले, उसके बाद फिर सोचे कि रास्ता में कहीं बत्ता उत्ता लगाएंगे। तो चलिए इसको पहले बत्ता लगाते हैं फिर जाली मार के कम्प्लीट करते हैं। गाड़ी का जाली वाली मार लिए हैं, अभी हम लोग अरवल से 30 किलोमीटर पीछे हैं और यहाँ से फिर अरवल, उसके बाद औरंगाबाद, उसके बाद फिर नेशनल हाईवे पर चढ़ के फिर हम लोग अपना घर जाएंगे। तो अभी हम लोग अरवल से 2 किलोमीटर पीछे हैं और ये वाला जो नदी है गंगा नदी है, इसमें बालू बहुत ज्यादा निकलता है और इसी के कारण अरवल दौध नगर और बाकी जगह पर बालू वाला ट्रकों से जाम लगता है। इसी नदी से बालू यहाँ निकल के जाता है, यहीं पर बालू का खनन ज्यादा होता है इसलिए यहाँ जाम लगता है। तो अभी हम इस नदी को पार कर रहे हैं
और अभी दिन का 11 बजे हम लोग खाना ना कुछ नहीं खाए हैं, तो अभी जाएंगे सबसे पहले होटल ढूंढते हैं, खाना खाते हैं। और हम लोग अरवल से भी 2 किलोमीटर पीछे हैं, अभी हम लोग दौज नगर से पीछे रुके हुए हैं, एक होटल छोटा सा है वहीं हम लोग खाना खा लेते हैं, क्योंकि होली के कारण बहुत जगह पर होटल खुला नहीं, लाइन होटल यहीं खाना मिल रहा है तो हम लोग खा लेते हैं। तो अभी फाइनली हम लोग होटल से खाना ना खा के निकल रहे हैं और सुधीर भैया अभी आ रहे हैं पीछे से। तो अभी हम औरंगाबाद से 60 किलोमीटर पीछे हैं और यहाँ से अभी जाएंगे सबसे पहले पेट्रोल पंप, और पेट्रोल पंप में लेंगे तेल, उसके बाद फिर यहाँ से सफर कंटिन्यू निकलेंगे। यहाँ का डेंसिटी भी सही है और हम लोग 1000 का तेल ले रहे हैं, फिर निकलते अपने सफर पर आगे। तो अभी गर्मी के कारण पूरा हाल खराब हो गया, तो अभी सुधीर भैया जा रहे हैं गाड़ी चलाने के लिए और हम जा रहे हैं सोने के लिए, आराम करेंगे। तो अभी हम लोग औरंगाबाद से 5 किलोमीटर पीछे हैं, तो चलिए पहले औरंगाबाद पहुंचते हैं। ये औरंगाबाद का हाईवे है जो कि नेशनल हाईवे है, दिल्ली कलकत्ता रोड, इधर कलकत्ता के लिए जाते हैं, इधर दिल्ली के लिए जाते हैं। इधर हम लोग फिलहाल इसी रोड पर चलेंगे जो कि हम लोग को डूबी जाना है, हम लोग इसी रोड पर चलेंगे कंटिन्यू अभी। तो ये औरंगाबाद का टाउन है जो कि कुछ इस प्रकार से है, इधर से मतलब औरंगाबाद टाउन निकलती होता है, और ये औरंगाबाद का बाईपास है, हम लोग तो औरंगाबाद का बाईपास से जाएंगे, और इधर से औरंगाबाद का टाउन है। और ये वाला हाईवे जो अभी हम लोग चल रहे हैं वो सीधा कोलकाता तक जाता है, तो चलिए हम लोग इसी रोड में जाएंगे डोभी तक, उसके बाद फिर चौपारण के बाद फिर हम लोग दहना कर जाएंगे इटखोरी वाले रोड पर, फिर हजारीबाग जाएंगे हम लोग। तो अभी चलते हैं इसी रोड पर, चौपारण है, और चौपारण से हम लोग इटखोरी के लिए कर जाएंगे, जैसा कि हम लोग हमेशा जाते हैं, हम लोग बाहरी होके कभी नहीं जाते हैं, तो हम लोग अभी इटखोरी के लिए ही कटेंगे और इटखोरी से फिर हजारीबाग जाएंगे। तो चलिए पहले इटखोरी के लिए कटते हैं। तो फाइनली हम नागवा टूर प्लाजा पहुंच गए हैं, और जैसा कि आप लोगों को पता है ये वाला टूर प्लाजा हम लोग फ्री में पार होते हैं, देखो फ्री में पटाखे पार करते हैं, तो ये वाला टूर हम लोग फ्री में पार हो गए। तो हमको जाना है हजारीबाग, हमारे गाड़ी में कुछ काम आए वही काम करवाने जाना है, तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू गाइज़।